हम लोगों ने आज 9.4 करनी है बेटा, सीक्वेंशियल सीरीज 9.4। अब इसके अंदर एपी और जीपी दोनों नहीं है, इसमें हमारा अलग ही सीरीज आपकी चलती रहेंगी। यहाँ पे हमारे कुछ फॉर्मूला जो जो आपने लर्न करने हैं, जैसे 1+2+3+4 टिल एन। अगर एन नंबर्स को, एन नेचुरल नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा सम कितना आएगा? इसका जो सम होगा, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज समेशन के, के रनिंग फ्रॉम 1 टू एन, और इसका सम का फॉर्मूला होता था एन एन प्लस 1 अपॉन 2। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एन एन प्लस 1 अपॉन 2। ऐसे ही स्क्वायर्स का सम, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, एन स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू एन के स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू एन n plus 1, 2n plus 1 upon 6, n, n plus 1, 2n plus 1 upon में 6, and next form में हमारा cubes का, 1 cube, 2 cube, 3 cube, n cube, which is equal to summation k running from 1 to n, k cube, which is equal to n, n plus 1 upon 2 whole square। ये तीन फॉर्मूला है जो आपको लर्न करने हैं। पहला वाला सम ऑफ नेचुरल नंबर है, दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, और तीसरा वाला है हमारा सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको इस पूरे सीरीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये समेशन का साइन है, समेशन का नंबर हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से लेके एन तक, तो 1 से लेके एन तक के क्यूब। मैं के की जगह ए बी सी कुछ भी लिख सकता हूँ, ये सिर्फ डिनोशन से लिखने के लिए। क्लियर है बात सभी को? नाउ क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको बोल रहा है फाइंड द सम टू एन टर्म्स, फाइंड द सम टू एन टर्म्स। पहला आपको बोल रहा है 1 into 2 plus 2 into 3, फिर 3 into 4, 4 into 5 and so on। अब इसका सम कैसे निकाले? हमने तो 1 plus 2 plus 3 पढ़ा था, यहां बोल रहा है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 and so on। इसका सम कैसे निकाले? जब भी इस टाइप की सीरीज आपके पास आ जाएगी तो आपने क्या करना है, उसकी पहले nth टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म पे 1 into 2 है, सेकंड टर्म पे 2 into 3 है, थर्ड टर्म पे 3 into 4 है, फोर्थ टर्म पे 4 into 5 है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा? n into n plus 1, is this clear? nth टर्म में क्या हो जाएगा? n into n plus 1, मल्टीप्लाई करो आगे, ये कितना हो जाएगा? n square plus n, कितना आ जाएगा ये? n square plus n। बेटा पहले नोट मत करो, पहले समझ लो, पहला क्वेश्चन है, पहले समझ लो, नोट बाद में करना। तो nth टर्म आ गया n square plus n। अब मुझे क्या करना है? सम निकालना है। तो जब मेरे को सम निकालना है sn, तो मैं क्या करूंगा, समेशन लगा दूंगा an पे, और an की वैल्यू कितनी है? n square plus n, is this clear? समेशन लगा देंगे, किसके ऊपर समेशन लगा दूंगा? ए एन पर। ये कितना आ जाएगा? समेशन ऑफ यही वैल्यू, और जब वैल्यू पुट करूंगा तब मैं वेरिएबल चेंज कर दूंगा, एन की जगह के लिख दूंगा, और यहां लिखूंगा के इक्वल टू 1 टू n, समेशन रनिंग फ्रॉम 1 टू n। अब समेशन किस पे? k स्क्वायर पे। k स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n n plus 1 2n plus 1 upon 6। समेशन k पे भी जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? n n plus 1 upon 2। नोट बाद में करो, सिर्फ पहले समझो बेटा। स्क्वायर्स का सम आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन है? n n plus 1 by 2, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2n plus 1, नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो 3, n n plus 1 by 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1। LCM लीजिए फर्दर, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 3,
क्या आ जाएगा 2n + 1 + 3 2n + 4 / 3 n + 1 / 2 अभी खत्म नहीं हुआ और सिंपलीफाई करो यहां से 2 कॉमन आ रहा है ये हो जाएगा n + 1 2 कॉमन ले लिए n + 2 होल डिवाइड बाय 2 × 3 2 से 2 कैंसिल सो योर फाइनल आंसर इज n + 1 n + 2 / 3 इज दिस क्लियर अब नोट करो मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको क्वेश्चन में आपके पास सीरीज गिवन दी है आपको इसका सम निकालना था तो मैंने क्या करा पहले nth टर्म निकाल लिया फर्स्ट टर्म में 1 × 2 था सेकंड टर्म में 2 × 3 था थर्ड टर्म में 3 × 4 था तो nth टर्म में क्या हो जाएगा n × n + 1 मल्टीप्लाई करो n² + n सम निकालना मेरे को इसका तो समेशन ऑफ an दैट इज k² + k स्क्वायर्स का सम समेशन ऑफ k दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा बराबर नोट करके डाल इन द चैट बॉक्स इनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिए क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आपको बोल रहा है 1 × 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 Now, अब इसकी हमें nth टर्म निकालनी है अब इसकी nth टर्म क्या होगी पहले पे 1 2 3 है सेकंड पे 2 3 4 थर्ड पे क्या है 3 4 5 nth टर्म में क्या हो जाएगा n + 1 × n + 2 मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा n² + 3n + 2 n² + 3n + 2 आगे मल्टीप्लाई करो इसको n² = n³ + 3n² + 2n n³ + 3n² + 2n हमें सम निकालना है sn समेशन k³ 3k² + 2k k रनिंग फ्रॉम 1 टू n k रनिंग फ्रॉम 1 टू n अब हमें क्यूब्स का फॉर्मूला लगाना है तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n + 1 / 2 / whole² + 3 × k² (n + 1 / 2n + 1/6) + twice as it is समेशन ऑफ k समेशन k का फॉर्मूला होता है n + 1 / 2 वैल्यू वन करिए पहले ये हो जाएगा n² (n+1)² / 4 (3 1)² (2)(n + 1 / 2n + 1)² / 2 2 से 2 कैंसिल यहां बच जाएगा n × n + 1 अब क्या करें न्यूमरेटर में से n + 1 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे n × n + 1 क्या बच जाएगा n + 1/4 यहां से n + 1 कॉमन ले लेंगे 2n + 1/2 + ये कॉमन ले लोगे तो यहां बच जाएगा 1 वहां आ जाएगा हमारे पास 1 एलसीएम लीजिए ये हो जाएगा n² + n एलसीएम इज 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 4n + 2 + 4 n² + 5n + 6 होल डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय n + 1 फैक्टराइज करो मिडिल टर्म स्प्लिट दिस ही आ जाएगा n + 2 n + 3 / 4 नोट करके डन इन द चैट बॉक्स फिर दोबारा से एक्सप्लेन करो अक्षिता करण अगर कोई डाउट है तो पूछिए बेटा मानवी हर्षप्रीत आदित्य इस क्वेश्चन में 1 2 3 2 3 4 3 4 5 पहले मैं क्या करूंगा nth टर्म निकालूंगा
और देन n plus 1 n plus 2 मल्टीप्लाई कर टर्म्स को मैंने n टर्म निकाल लिया सम लगाया तो n को k से रिप्लेस कर दिया क्यूब का फॉर्म लगाया n n plus 1 upon 2 होल स्क्वायर आई सॉ स्क्वायर का सम n n plus 1 2 n plus 1 upon 6 3 1 जा 3 6 जा 2 और सही 3 2 जा 6 2 आई सॉ k 2 आदर्श k k n n plus 1 upon 2 पहले हमने इसको क्या करा सॉल्व कर लिया मैं ऐसे कॉमन लूंगा तो एरर हो जाएगा हमेशा पहले मैंने इसको स्क्वायर करके लिख लिया फिर मैंने टर्म्स को कॉमन निकाला है और फिर दोबारा मेरे टर्म्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है 3 into 8 का 6 into 11 3 into 8 plus 6 into 11, 9 into 14 and so on. हमें दोबारा से सम निकालना है. सम कैसे निकाले? आप लोगों को पहले nth टर्म निकालनी पड़ेगी. आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपके पास है 3, 8. कोई रिलेशन नहीं निकल रहा. यहाँ पे क्या आपके पास 6 और फिर यहाँ पे आपके पास 11. 6 के साथ 11. अकाल करें सर n into n plus 5. अगर n को 1 पुट करूंगा तो 1 into 6 यहाँ पे है नहीं 2 into 7 यहाँ है नहीं तो ये गलत हो जाएगा मैं फिर क्या करता हूँ टर्म्स को इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं फर्स्ट टर्म यहाँ 3 है सेकंड में जो पहले लिखा हुआ है वो 6 है थर्ड टर्म में जो पहले लिखा हुआ 9 है तो पहले वाले नंबर्स क्या हो गए 3 के मल्टीपल हो गए 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा nth टर्म क्या हो जाएगा 3 into n. n term क्या हो जाएगा 3 into n. Clear है ये? इसके पीछे वाला 8, 11, 14 यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा. कहीं ना कहीं से तो start करना पड़ेगा. कहाँ से start करें? दूसरी बार देखो 8, 11, 14 ये 8, 11, 14 क्या form करेगा? AP form करेगा. AP का n term निकाल लो. AP का n term क्या होता है? A plus n minus 1 into d. D क्या 11 minus 8 3 ये हो जाएगा 8 plus 3n minus 3 ये हो जाएगा 3n plus 5 मल्टीप्लाई करो 9n square plus 15n 9n square plus 15n सम निकालिए फर्दर ये हो जाएगा समेशन ऑफ 9k square plus 15k k is equal to 1 to n फॉर्मूला अप्लाई करो 9 स्क्वायर्स में फॉर्मूला n n plus 1 2n plus 1 upon में 6 15 into k ये क्या है n n plus 1 upon 2 n n plus 1 upon 2 सॉल्व करिए सिंपलीफाई करो इसको 3 से कैंसिल करेंगे यहां पे 3 आ जाएगा 2 पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चे n n plus 1 upon 2 यहाँ पे आपने देखा twice of 2n plus 1 plus 15 3 into 2n plus 1 plus 15 this gives n n plus 1 upon 2 6n plus 3 plus 15 6n plus 18, 6 common आ रहा है. You are left with n plus 3. 2 1s are 3, 3 times of n. n plus 1 into n plus 3. Note कर लीजिए बेटा इसको. Now, next question. Question number 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करिए बताओ क्या nth टर्म क्या फॉर्म करेगा ये दिस 3 into 1 स्क्वायर 5 into 2 स्क्वायर 3 into 1 स्क्वायर 5 into 2 स्क्वायर 7 into 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अब यहां पे अगर हम नोटिस करें पीछे की जो सेकंड जो सब में पीछे की टर्म्स है
वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर, तो एन एथ टर्म पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा, एन एथ टर्म पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। सर फर्स्ट में एपी लग जाएगी, यस थ्री फाइव सेवन में एपी लग जाएगी, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, बी प्लस टू एन माइनस टू इंटू एन स्क्वायर, दिस इज टू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर, एन एथ टर्म टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, सम ऑफ एन टर्म्स समेशन 2k cube plus k square, k की वैल्यू 1 से n, क्यूब क्यूब का फॉर्मूला होता है n n plus 1 upon 2 whole square, squares n n plus 1 2 n plus 1 upon 6, n n plus 1 2 n plus 1 upon 6, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो, पहले ब्रैकेट ओपन करो उसके बाद कॉमन लेना, यहां पे वन टू पूरे से कॉमन आ रहा है, एन एन प्लस वन अपॉन टू, जब यहां से एन एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन ले लेंगे तो एन एन प्लस वन बचेगा बेटा, प्लस एन एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन लिया तो यहां से थ्री बच जाएगा डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर में आ जाएगा टू एन प्लस वन, दिस एन एन प्लस वन अपॉन टू एलसीएम थ्री, एन स्क्वायर प्लस एन मल्टीप्लाई करो थ्री से, थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस 2n plus 1, 3n square plus 5n plus 1, 3, 2, 6, so n, n plus 1, 3n square plus 5n plus 1, और ये पीछे का 3n square plus 5n plus 1 है, ये random split नहीं होगा, नोट करिए इसको, डाउट भी बेटा साथ साथ पूछते रहिए, अगर कोई डाउट है तो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव सेवन और उसके बाद फोर्थ करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर फाइव, इसके ऊपर जो एग्जांपल गिवन है ना एक्सरसाइज के ऊपर 9.4 के ऊपर खुद सॉल्व कर लेंगे, उसमें एन एथ टर्म गिवन है आपको, मल्टीप्लाई करना सम का फॉर्मूला लगा देना, तो जो ऊपर एग्जांपल है वो खुद ही सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव स्क्वायर 6 square 7 square plus 20 square sum निकालना है हमें, पहले तो n terms थी but इस बार आगे आगे जा रहा है 5 से लेकर 20 तक, square हो रहा है, square का formula क्या होता है n n plus 1 2 n plus 1 upon 6, but वो formula क्या होता है 1 से तो start हो रहा है series, ये तो 5 से start हो रही है, तो इसको convert करेंगे हम लोग, convert कैसे करेंगे, पहली चार टर्म जो है उनको ऐड कर लेना, ये फाइव से पहले वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर को ऐड कर लो और यहां पे पीछे माइनस कर लो, माइनस प्लस और माइनस करने से इक्वालिटी मेंटेन रहेगी, वन से लेकर ट्वेंटी तक के स्क्वायर्स का सम, फॉर्मूला क्या होता है n, यहां पे n की वैल्यू 20 है बेटा, n n plus 1 2n plus 1 by 6 minus यहां पे n 4 है, n n plus 1 2n 2 into 4 plus 1 whole divided by 6, मल्टीप्लाई करो 20 21 41 upon 6 minus 4 into 5 into 9 upon 6, solve कैसे करें, 2 से cancel करूंगा तो यहां पे 10 आ जाएगा, 3 1 the 7, 2 से cancel करेंगे, 3 से cancel करो फिर
7 into 41, 287 into 10, 2870 minus 2, 5s are 10, 10, 3s are 30, 2840. 2840 सम आ जाएगा आपके पास. ऐसे इसमें अगर हो सकता है 6 से स्टार्ट करेगा तो 5 टर्म्स को ऐड और पीछे 5 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना. नोट करके डन इन द चैट बॉक्स. फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करें. हो गया सबका? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. 7 नोट डाउन करिए बेटा. 1 square plus 2 square plus 1 square 2 square 3 square. यहां पे सबसे पहले हमें nth टर्म फॉर्म करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको nth टर्म फॉर्म करना पड़ेगा. यहां पे अब nth टर्म कैसे निकाले? पहले पे 1 का स्क्वायर, फिर सेकंड पे ब्रैकेट डाल लगा हुआ उसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर यहां पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. फोर्थ टर्म क्या होगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. तो ऐसे ही अगर nth टर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर. तो ये स्क्वायर्स का फार्मूला हो गया यहां पे. तो क्या हो जाएगा? ये n plus 1 2n plus 1 upon 6. clear hai baat? is this clear? yukti pehle pe 1 ka square, 2 second pe 1 square 2 square, third term mein kya 1 square 2 square 3 square, nth term kya hoga beta? maan li 1 square 2 plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square dot 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 plus n square. squares ka formula aapko pata hi hai, substitute kar do value ko, multiply karo, kya ho jayega? n times of 2n square plus 3n plus 1 upon 6. further multiply करिए तो 2n cube 3n square plus n by 6. 6 से divide कर दो तो तुझे n cube by 3 n square by 2 plus n by 6. sum निकालना है. अब sum निकालेंगे ये सब k में convert हो जाएगा. तो k cube by 3 k square by 2 k by 6. cubes का फॉर्मूला होता है n plus 1 upon 2 whole square और बाहर 1 by 3. squares का फॉर्मूला n plus 1 2n plus 1 upon 6 और एक और 2 है बाहर तो 6 into 2 हो जाएगा. sum का फॉर्मूला n plus 1 upon 2 नीचे 6 भी है तो यहाँ पे इनटू 6 आ जाएगा. ब्रैकेट ओपन करो. ये हो जाएगा n n plus 1 square upon 4 3 का 12 n square n plus 1 का whole square upon 12 plus n n plus 1 2 n plus 1 whole divided by 12 n n plus 1 whole divided by 12. पूरी इक्वेशन में से n n plus 1 upon 12 कॉमन आ रहा है. स्टार्टिंग में हमारे पास बच जाएगा बेटा n into n plus 1 plus 2 n plus 1 plus 1. This is n n plus 1 upon 12 n square plus n plus 2 n plus 1 plus 1 n square plus 3 n plus 2 multiplied by n n plus 1 upon 12. अब n square plus 3 n plus 2 पे middle term split करिए जिससे आ जाएगा n plus 1 into n plus 2. that is n n plus 1 whole square n plus 2 whole divided by 12. note कर लीजिए. इस question में main क्या था? nth term निकालनी. nth टर्म पे सम का फॉर्मूला लग गया था जिससे आ गया था n क्यूब बाय 3 तो n स्क्वायर बाय
टू प्लस एन बाय सिक्स, बच्चे यही गलती करते हैं, छोड़ नहीं कर कहते सर फॉर्मूला लगा तो दिया सम का, नहीं ये एन एट टर्म है, एन एट टर्म पे फिर सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है ये हमारा, वन एम वन वन इंटू टू प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर एंड सो ऑन, इसका क्या है सम निकालिए। ये तो देख के फटाफट लग रहा है, वाह सर सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर वन करा था हमने, सेम टर्म्स आ रही है बट डिफरेंस क्या है डिनोमिनेटर में आ गया। तो सर जैसे पहले वाला सॉल्व करा था उसके आंसर को उल्टा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या ये प्रोसेस ठीक है? पहले हमने सॉल्व करा वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर, अब उसी का रेसिप्रोकल टर्म ले, तो क्या जो उसका आंसर आया था उसी को उल्टा कर दूं तो सेम आंसर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट है जो हमने बाकी जितने क्वेश्चंस करे हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा 1 बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाय 6, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 1 बाय 12 आ जाएगा, और जो इसकी एन एट टर्म होगी वो होगी 1 अपॉन एन, एन प्लस 1 होगी। तो मैं क्या करूं भाई, ये एपी भी नहीं फॉर्म कर रहा, ये जीपी भी फॉर्म नहीं कर रहा, तो इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है? 1 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस 1 बाय 2 करूंगा तो सेम आ जाएगा हाफ, ऐसे ही 1 अपॉन 2 इंटू 3 1 बाय 6 होता है, तो 1 बाय 6 की वैल्यू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 से तो निकाल सकता हूं मैं, एलसीएम लो 3 माइनस 2 अपॉन 6 तो 1 बाय 6 आ जाएगा, ये रहा 1 बाय 6, 1 अपॉन 3 इंटू 4 कैन बी रिटन एज 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, क्लियर है सभी को? तो देखा गया मैंने सेकेंड टर्म में 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, थर्ड टर्म में 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, तो nth टर्म में क्या होगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, यही हो जाएगा। अब अगर मैं यहां सबके ब्रैकेट ओपन कर दूं, मैं अगर अब सबके ब्रैकेट ओपन कर दूं तो माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 कैंसिल, माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 कैंसिल, माइनस 1 बाय 4 आगे प्लस 1 बाय 4 होगा, फिर माइनस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगी मेरे पास यहां की सिर्फ और सिर्फ आखिरी टर्म रह जाएगी, वो क्या है 1 अपॉन n प्लस 1। एलसीएम ले लो यहां पे n प्लस 1 माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया n अपॉन n प्लस 1, खत्म हो गया, दिस इज द आंसर। क्योंकि यहां पे nth टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सम को सॉल्व कर दिया, हर एक टर्म को चेंज करके लिखा और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, नोट करिए इसको, नोट डाउन हो गया बच्चे सभी का। मानवी, नव्य, आदित्य, सुवेद, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ऊपर रीड करिए क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द सम टू द n टर्म्स हुज nth टर्म इज गिवन। पहले क्या होता था, आपके पास सीरीज गिवन होती थी, nth टर्म आप निकालते थे, यहां पे nth टर्म गिवन है, तो 8 वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है n n plus 1 into n plus 4, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट कैन बी सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है 2n minus 1 का होल स्क्वायर, तो a minus b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए और उस पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। 9th इज डिफरेंट जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, इसमें मेरा सॉल्व करवाने वाला सेकंड पार्ट है, 9th का भी सेकंड पार्ट,
आपको 9 गिवन है n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर n, 9 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर n। अब n स्क्वायर तो सबको सॉल्व करना आता ही है, 2 रेज टू द पावर n वो मेन है हमारा। नाइंथ क्वेश्चन, nth टर्म आपको गिवन है n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर n, सब लगाना है s n इज इक्वल टू समेशन ऑफ k स्क्वायर प्लस 2 रेज टू द पावर k, k रनिंग फ्रॉम 1 टू n, स्क्वायर से फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस। अब यहां पे अगर आप फार्मूला लगाओगे 2 रेज टू द पावर k पे, जिसका 2 रेस टू द पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 रेस टू द पावर n, इज दिस क्लियर? क्योंकि समेशन k पे लग रहा है तो पावर चेंज होगी, 2 की पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब एंड 2 रेस टू द पावर n, तो पहले वाला तो आधा तक रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन इट, बट पीछे वाला क्या करेगा, जीपी फॉर्म कर रहा है तो ये सम ऑफ जीपी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो इसको आगे तो 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 2, यहां से आएगा n n प्लस 1 2 n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये सम आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसको। सर सेकंड वाला जीपी है, यस ये जीपी फॉर्म करेगा ना, अगर 2 4 8 है, एपी नहीं है, ये जीपी फॉर्म कर रहा है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी 2 हो जाएगा और आर जो है वो भी 2 हो जाएगा, लास्ट को मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज छोड़ देंगे बच्चे, जहां पे आंसर है नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज इट्स एग्जांपल, पीछे वाले पेज पे आ जाइए एक्सरसाइज से पहले, दिस पेज नंबर 195 एग्जांपल नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This is very very important example. Most of the schools may repeat होता है, और ये same question ही दे देते हैं। इसके जैसा same miscellaneous भी really है। Miscellaneous वाला आप खुद solve कर लेंगे। Miscellaneous में जो आपको given है, वो है आपका question number 23. Miscellaneous में 23 जो है वो सेम है, वो आप खुद करेंगे, एग्जांपल में करवा देता हूं। एग्जांपल नंबर 19 में आपको बोल रहा है बेटा फाइंड द सम टू n टर्म्स Sn, क्या क्या बनाएंगे, 5 प्लस 11 प्लस 19, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29, 41 एंड सो ऑन। अब इसका सम कैसे निकालूं, पहली दो टर्म्स के बीच में गैप चेक करो कितना है, क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, यहाँ 6 का गैप है, फिर आगे गैप कितना है, 8 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 12 का गैप है, तो इनके डिफरेंस में जीपी फॉर्म हो रहा है, इनके डिफरेंस में जीपी फॉर्म हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ये क्वेश्चन में करने का स्पेसिफिक यही वे है, किसी सीरीज को दोबारा एक बार नीचे लिखो, बट 5 के नीचे 5 ही टर्म को एक आगे शिफ्ट कर दो, अब सीरीज मेरी यहां से स्टार्ट हो जाएगी, सेम सेम सीरीज को एक टर्म आगे करके लिखना है मेरे को,
हो जाएगा 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन के नीचे आ जाएगा ए एन माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा ए एन माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा पीछे का प्लस एन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस में जीपी फॉर्म कर रहा है एपी सॉरी, तो मैंने टर्म को आगे करके लिख दिया। अब इन दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दो, अब इन दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दो, एस एन माइनस एस एन लेफ्ट पे आ गया जीरो, 5 माइनस यहां कुछ भी नहीं था 5, 11 माइनस 5 यह आ जाएगा 6, 19 माइनस 11, 19 माइनस 11 कितना आ जाएगा ये 8, फिर आ जाएगा 10, 12 एंड सो ऑन, ये साइड टर्म बच जाएगी और आखिरी में क्या बच जाएगा माइनस एन, आखिरी में क्या बच जाएगा यहां पे माइनस एन। क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। नाउ 6 से लेके यहां तक ये एन टर्म्स है, 6 8 10 12 यहां तक एन तक कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है ये पूरे। अब मैं क्या करता हूं, इस nth टर्म को लेफ्ट पे ले आता हूं, तो ये जाएगा an is equal to 5 plus 6 plus 8 plus 10 plus so on, ये 6 से लेके 8 तक n टर्म्स थे, nth टर्म को लेफ्ट पे ले आऊंगा तो ये कितने टर्म्स हो जाएंगे, ये n minus 1 टर्म्स हो जाएंगे, 6 8 10 12 14 16 चल रहा है minus an, ये पूरे n टर्म्स थे, तो इस an को लेफ्ट पे ले आऊंगा तो इसमें से एक टर्म कम होगी तो n minus 1 टर्म्स बचेंगी। ये मेरे पास क्या फॉर्म कर रहा है, ये मेरे को सम जीपी और एपी फॉर्म कर रहा है, फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस 2 है, एपी फॉर्म कर रहा है, एपी में सम निकालूंगा लेकिन सम में कितनी टर्म है एन माइनस वन है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो एपी का एन माइनस वन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 2 है, एनएट टर्म कितनी आ जाएगी 5 प्लस एन माइनस वन अपॉन 2, 12 plus 2n minus 4 which is equal to 5 plus n minus 1 by 2, 2n plus 8, 2n plus 8 space को मैं बड़ा यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां से 2 common लेंगे cancel कर लेना नीचे से, 5 plus n minus 1 into n plus 4 मल्टीप्लाई करो सामने आगे टर्म एन स्क्वायर प्लस फोर माइनस एन, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस फोर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस थ्री एन माइनस फोर, वेन एट टर्म कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन, तो ये हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ एनएथ टर्म निकला है। अब इसमें आप आगे सम लगा देंगे खुद, वो काम आपको खुद करना है, नोट करो इसको, यहां पे हमने क्या करा है, आपकी जो सीरीज थी उसमें एक टर्म आगे करके लिखी, सब्ट्रैक्ट किया मैं दोनों सीरीज को, तो यहां तक एन टर्म्स थे, एक को लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो ये एन माइनस वन टर्म आ जाएंगे, जो कि क्या फॉर्म करेगा एक एपी फॉर्म करेगा, या सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे अभी एन एथ टर्म आएगी, इसको फर्दर आपको सम लगाना है अभी आगे, क्लियर है, कर लीजिएगा इसको, नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देंगे, टिल देन बाय टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।